एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड माइनस की 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले हम देखेंगे, आपको पता ही है 2 × 3 मतलब 6, यानी ये आपका ए ट्रम हुआ, ये ए हुआ और ये ट्रम एक हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन नंबर क्या है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढना है। अब हम देखेंगे 3/5 आपको यहाँ पे भी है और 3/5 आपका इसमें भी है। तो हम इन नंबर्स को पहले अरेंज कर लेंगे, माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस के 5/2। कौन सी प्रॉपर्टी से किया हमने ये? कम्यूटेटिविटी। हमने अभी कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो यहाँ पे हमारी ये होल्ड हो रही है, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। हम इसे कम्यूटेटिविटी के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी हमारा कॉमन नंबर है उसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमने 3/5 इसमें भी है, 3/5 आपका इसमें भी है, तो हमने क्या किया, पहले 3/5 को कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो हमारा अंदर कौन सा नंबर बचा, माइनस के 2/3 और इधर आपका क्या बचा, माइनस के 3/5 प्लस के 5/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमने अभी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म हो तो उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से होती है। तो वही हमारा 3/5 की मल्टीप्लाई माइनस 2/3 से, फिर उसके बाद 3/5 की मल्टीप्लाई, सॉरी 3/5 ही यहाँ पे आएगा आपका 1/6, क्योंकि 3/5 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपका आएगा 1/6। ये 3/5 की मल्टीप्लाई 1/6 है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आएगा, 6। 3 × 2 = 6, अगर 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 से ही आपकी ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2 = 4, साइन माइनस साइन, 6 × 1 = 6 तो 1 × 1 = 1 प्लस 5/2। तो माइनस के 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 5/6 प्लस के 5/2, 3/5 मल्टीप्लाई, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन आपका कहीं का आता है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई माइनस के 5/6 प्लस 5/2, 5 × 5 = 5, 3 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, तो आपका कितना हो गया, माइनस के 1/2 प्लस 5/2। अब जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपल प्रोसेस कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, और ऊपर आ जाएगा माइनस 1 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे, 4/2, साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर क्या है, 5, और 5 का आगे आएगा साइन है प्लस का, तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में। अब डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आपका हो गया 2 × 2 = 4। एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहले हमने कॉमन नंबर ढूंढा, कॉमन नंबर था 3/5, 3/5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, फिर हमने अंदर ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 × 2 = 6 तो 2 × 2 = 4, 6 × 6 तो 1 × 1 = 1, माइनस माइनस प्लस तो 4/1 कितना हो गया, 5, तो माइनस के 5/6, ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन किस चीज़ का आता है, मल्टीप्लाई का, तो 3/5 मल्टीप्लाई माइनस के 5/6, 5 से 5 कट हो गया, 3 से 6 को कट करेंगे 2 times जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, माइनस के 1/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल आपका प्लस या माइनस हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 2, देन आपका माइनस 1 + 5, और सिंप्लीफाई कर दिया आंसर आपका आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, माइनस के 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 माइनस के 1/6, पहला टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म आपका ये हुआ 3/2 प्लस 1/40 मल्टीप्लाई 2/5, फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है, पहले कॉमन नंबर देखना है, कॉमन क्या है,
टू अपॉन फाइव इसमें भी है, टू अपॉन फाइव आपका इसमें भी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस के थ्री अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन फोर्टीन मल्टीप्लाई टू अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू, कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिविटी से। अब नेक्स्ट स्टेप फिर सेम रहेगा आपका, जो कॉमन नंबर है उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 अपॉन 5 यहाँ पे भी है, 2 अपॉन 5 आपका यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 2 अपॉन 5, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा, माइनस के 3 अपॉन 7, कितना इनका साइन है प्लस का, इधर से 2 अपॉन 5 ले लिया तो क्या बचा आपका 1 अपॉन 14 माइनस वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू, ये किससे हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी से। जब कोई दो नंबर में से हम कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से होती है, और ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 7 और 14 तो एलसीएम क्या आएगा 14, 7 2 जा 14 तो 3 2 जा 6, 14 1 जा 14 तो 1 1 जा 1 प्लस, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इतने 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, प्लस नहीं सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, इधर क्या हो गया 2 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 6, तो साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 5 अपॉन 14 माइनस 1 1 जो 1 2 2 जो 4, अब ब्रैकेट खोल देंगे, खोलेंगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, माइनस के 5 मल्टीप्लाई 14 माइनस के 1 अपॉन 4, 5 से 5 कट हो गया, ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, 2 से 7 कट हो जाएगा, 2 7 जो 14, 14 कट हो जाएगा, तो बचा आपका माइनस के 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 4, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 28, 7 4 जो 28, अब 7 4 जा इसलिए 1 4 जा 4, 4 7 जा 28 तो 1 7 जा 7, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में करनी पड़ती है, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, तो 7 और 4 कितना हो गया 11 अपॉन 28, और साइन किस चीज़ का आ जाएगा माइनस का, यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके वो क्लियर है आपको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के आपको क्या लिखते हैं एडिटिव इनवर्स, इनवर्स के बारे में आपको क्या बताया था, उससे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बात है एडिटिव की, तो एडिटिव की आइडेंटिटी क्या होती है जीरो, आइडेंटिटी होती क्या है कि लौट के हमारा वही नंबर आना चाहिए। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए का माइनस ए, ये आपको क्या होता है एडिटिव इनवर्स, इट मीन्स साइन आपका चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, पहला नंबर है आपका 2 अपॉन 8 प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 2 अपॉन 8, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो माइनस के 5 अपॉन 9 का एडिटिव इनवर्स प्लस के 5 अपॉन 9, अब यहाँ पे माइनस के 6 अपॉन माइनस 5 है, इट मीन्स माइनस से माइनस कट हो गया तो आपका नंबर क्या बचा 6 अपॉन 5, माइनस से माइनस कट कर दिया तो नंबर क्या बचा 6 अपॉन 5 यानी प्लस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 5, नेक्स्ट नंबर आपका माइनस में है 2 अपॉन माइनस 9 तो आंसर किस में आएगा आपका प्लस में आएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2 अपॉन 9, सिमिलरली ये भी माइनस में है तो माइनस में है तो एडिटिव इनवर्स किस में होगा प्लस में होगा, तो 19 अपॉन माइनस 6 का एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा 19 अपॉन प्लस के
सिक्स होगा सबको. इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी आपके इन्वर्स के ऊपर ही क्वेश्चन है कि माइनस एक्स का इन्वर्स आपका क्या होता है, एक्स होता है. एक तरीके से आप ये कह सकते हो. सिंपल है, जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं वेरीफाई करने वाले, तो इसका मतलब क्या है, एल एच एस और आर एच एस आपकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, एल एच एस नोट करते हैं. एल एच एस है हमारी माइनस माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू आप सबको पता है क्या दी हुई है, 11 अपॉन 15. तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी, 11 अपॉन 15. अब माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया, 11 अपॉन 15, जो आपके किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है. और एक्स आपका क्या है, आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. तो इट मीन्स क्या हो गया कि माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या हो गया, ये वेरीफाइड. ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 17. फिर से सेम प्रोसेस करेंगे. एलएचएस आपकी क्या है, ये इक्वल आ गया आपके एक्स के, माइनस माइनस एक्स. इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के 13 अपॉन 17. हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी माइनस के 13 अपॉन 17. अब क्या है माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 13 अपॉन 17. तो आपके ये कितना आ गया, माइनस के 13 अपॉन 17, जो आपकी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है. इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया आपके, आर एच एस के. उसे हो जाएगा आपका वही माइनस माइनस एक्स इक्वल एक्स. तो आपका क्या हो गया, ये वेरीफाइड. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. अभी हमने एडिटिव इनवर्स की बात की थी, अब आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस के वन. आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस के वन. एंड इनवर्स क्या होता है, ए का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का साइन ये होता है वैसे आपका, वन अपॉन ए. यानी हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसका उल्टा कर लेते हैं. मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाता है, डिवाइड में. तो माइनस के 13 है, तो माइनस के 13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, वन. रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से एन्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है. तो 13 अपॉन 1 का उल्टा माइनस के 1 अपॉन 13. तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन 13. माइनस के 13 अपॉन 19 का ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, माइनस के 19 अपॉन 13. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चेंज हो गया. तो 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करेंगे हम, क्या होगा आपका 5. नीचे 1 आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 5 ही हो जाएगा. देन माइनस के 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई माइनस के 3 अपॉन 7. ठीक है, तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे. माइनस माइनस प्लस, 5 3 जो 15 और 8 7 जो 56. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 15. इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल. देन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो गया ये 2 अपॉन 5. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या हो गया, 5 अपॉन 2. और माइनस 1 है, माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस 1. अब एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 और माइनस 1 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही नंबर अलॉट किया जाता है. अगर आपको 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो 1 ही होगा, और माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका माइनस के 1 ही होगा. अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर खुद होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 एंड माइनस 1. ठीक है, क्लियर होगा इतना सबको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है. पहला है आपका
माइनस के फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई माइनस के फोर अपॉन फाइव, कि हमने क्या करा माइनस के फोर अपॉन फाइव की मल्टीप्लाई वन से करी या वन की मल्टीप्लाई माइनस के फोर अपॉन फाइव से करी। तो आपका आंसर क्या लौट के आ गया माइनस के फोर अपॉन फाइव। हमने पहले भी क्या कहा था, जब किसी नंबर की आइडेंटिटी वही नंबर लौट के आ जाता है तो वहाँ पे आपका क्या लगती है आइडेंटिटी पहचान, कि अगर माइनस फोर है तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर आपका माइनस फोर ही आना चाहिए। तो आपकी क्या होती है आइडेंटिटी, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ आप कह सकते हैं वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन मल्टीप्लाई माइनस के टू अपॉन सेवन इक्वल किसके है माइनस टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाई माइनस के थर्टीन अपॉन सेवनटीन। वही बात है, हम काम इधर से पकड़े ये काम उधर से पकड़े, बात एक ही है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी हमारी कम्यूटेटिविटी, चाहे हम ए की बी से मल्टीप्लाई करें या बी की ए से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन इसकी मल्टीप्लाई हमने करी क्या इसी के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से। आइडेंटिटी आपको दी हुई है तो हमने क्या किया है आइडेंटिटी वन है तो आपको पहले पता लग गया है आइडेंटिटी को देख के कि आपका यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 19 से 19 का 29 से 29 का, तो आपको ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इससे पहले भी हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन भी किए थे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जो आपका नंबर है उसी नंबर का आप क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो माइनस 19 अपॉन 29 का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा 29 अपॉन माइनस के 19। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, पहले में लगी हुई आपकी आइडेंटिटी, सेकेंड में कम्यूटेटिविटी, तीसरी में इनवर्स की प्रॉपर्टी। इसके लिए पहले आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, तो उनको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करनी है 6 अपॉन 13 का इज द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 77 अपॉन 16। 6 अपॉन 13 की मल्टीप्लाई करनी है किसके रेसिप्रोकल से माइनस के 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 अपॉन 13 करनी क्या है मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7 अपॉन 16। पहले हम देखेंगे कि माइनस के 7 अपॉन 16 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस के 16 अपॉन 7, तो यानी हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है माइनस के 16 अपॉन 7 से। देखेंगे कुछ कट हो रहा है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो सिंपल कर देंगे 16 6 96, 20 का टेबल आप सबको लर्न होनी चाहिए, और 13 7 91, तो आपका आंसर क्या हो गया माइनस के 96 अपॉन 91। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 एस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। तो इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ ऐसा आपको ध्यान है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि पहले आपने क्या किया लास्ट के दो ब्रैकेट में ले लिए, उसके बाद प्लस के दो ब्रैकेट में ले लिए, स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट में ले लिए। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी एसोसिएटिविटी, कि ए की मल्टीप्लाई हमने करी बी प्लस सी की मल्टीप्लाई से, देन हमने सी की मल्टीप्लाई करी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई से, तो आपका दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो ए फिर मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट के अंदर देन सी आपका अलग से है, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है एसोसिएटिविटी। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 8 अपॉन 9 द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 1:1/8 कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस के 1:1/8 का है या नहीं है। पहली बात तो मैं आंसर देख के पता लग जाएगा कि नहीं है, सॉरी क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि ये आपका नहीं है। कैसे पता लगेगा, एक नंबर आपका माइनस में दिया है और दूसरा नंबर आपका प्लस में दिया है, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन में बोला है बाय और बाय नॉट, क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे आपका क्या है, माइनस की 1:1/8 सॉल्व कर देंगे, माइनस 8 प्लस 1 9 अपॉन 8। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं माइनस के 9/8 का तो ये क्या आएगा, माइनस के 8/9। क्या ये 8/9 की इक्वल है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सपोज हमने इसको a मान लिया तो हमारा क्या हो जाएगा कि a का जो इनवर्स है वो आपके a की इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था सेम वही क्वेश्चन है, उसमें आपका क्या था -1:1/8 था और आपका दूसरी तरफ जो था 8/9 था। अब क्वेश्चन आपका क्या दे दिया है, इस 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3, जो 0.3 है वो 3:1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। उस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा था, एक प्लस में था एक माइनस में था, इसमें दोनों प्लस में है तो हमें चेक करना पड़ेगा। हम चेक करते हैं, सपोज हमने मान लिया a = 0.3, अब हमने इधर लिया 3:1/3, 3 3 9, 9 और 1 10, तो कितना आ गया 10/3। अब हमें क्या करना है, 10/3 का इनवर्स लेना है, 10/3 का हमने इनवर्स लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/10 ही तो आएगा, तो 3/10 हमने ले लिया। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आ गया, 0.3। तो इसका मतलब वही नंबर आपका लौट के आ गया a ही, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस आपका a ही लौट के आ गया। इसका मतलब क्या है कि a का जो इनवर्स है वो किसकी इक्वल है, a की इक्वल है। अगर ऐसा है तो आपका क्या आ गया, 0.3 आ गया। तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज आपने a लिया 0.3 था, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये a है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/10 विच इज इक्वल टू a, तो इट मीन्स ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको आंसर देने हैं वन वर्ड में। पहला है आपका द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो अगर हम बात करें वन की तो वन का रेसिप्रोकल होगा, वन का रेसिप्रोकल वन, लेकिन वन से पहले हमारा क्या आता है, जीरो। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सपोज आपका जीरो है, ठीक है, नीचे कोई नंबर नहीं है, हमने मान लिया वन, हम वन से जीरो को डिवाइड करेंगे आंसर आपका आएगा जीरो। लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। हमने वीडियो भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब नीचे जीरो होता है पहली बात तो वो रैशनल नंबर ही नहीं होता है, और दूसरी बात इसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ये भी हमने वीडियो में पढ़ा हुई कि ऐसा कौन से दो नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, अगर हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वही नंबर आपके लॉट के आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 1 और -1, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 1/1, यानी 1 ही लॉट के आ जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 और -1 ही लॉट के आपका आ जाएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, 1 और -1। नेक्स्ट है
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होता है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, कि चाहे मुझे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले आंसर आपका सेम आता है। तो आपको पता है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, जीरो। सपोज आपका है माइनस के जीरो अपॉन वन, और यहाँ पे मैंने लिखा जीरो अपॉन वन, दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो, यानी ये अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल ब्लैंक्स का, पहला क्वेश्चन हमारा जीरो हैज रेसिप्रोकल, जस्ट अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन क्या था आपका, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या था, जीरो। तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगेन कोई क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार पूछा जा रहा है एक्सरसाइज में, कि ऐसा कौन से दो नंबर हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कौन से हैं, वन एंड माइनस वन। रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव, रेसिप्रोकल लेना होता है तो उल्टा कर देते हैं, तो माइनस फाइव आपका अभी न्यूमिनेटर में है तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, माइनस के वन अपॉन फाइव। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्स अभी डिनोमिनेटर में है, अब कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमिनेटर में एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, हमने पढ़ा भी था रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं तो अब हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं, आपके साइन केवल एडिटिव इनवर्स में चेंज होते हैं, अदरवाइज आपके साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।